दोस्तों रिव्यू इस वीडियो में हिमालय वाइटनिंग क्रीम के बारे में, भाई क्या है, किस तरह से काम करती है, कहाँ लगाई जाती है, किस तरह से लगाए, दिन में कितनी बार लगाए, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इस पर सावधानी क्या रखें, जानेंगे सब कुछ। सो देखिए देखिए वाइटनिंग क्रीम ये हिमालय ड्रिंक कंपनी का ब्रांड है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा कंपनी है, बहुत पुराना है, नेचुरल तरीके से आयुर्वेदिक क्रीम है, ठीक है। लेकिन इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं फीमेल्स प्रॉब्लम के लिए, महिलाओं के लिए, तो ओनली महिला ही इसका यूज कर सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये फेस पे लगाई जाती है डॉक्टर के कहने पर, सेल्फ यूज़ नहीं की जाती, तो ये आपको सेल्फ यूज़ नहीं करना है, फेस पे होने वाले प्रॉब्लम पे लगाई जाती है। पहला तो दोस्तों ये वाइटनिंग करती है, यंगर लुकिंग के लिए लगाई जाती है, अगर स्किन बहुत ज़्यादा ब्लैक लेयर है स्किन के ऊपर, मेलानिन की प्रॉब्लम अगर है, जहाँ पर स्किन काली काली दिखाई देती है, ऊपर वाली परत डार्क दिखती है, दाग धब्बे दिखते हैं स्किन के ऊपर, तो वहाँ लगाई जाएगी, स्किन को वाइटनिंग प्रोवाइड करती है, स्किन को वाइट करती है, सेल्स को डेड सेल्स को रिमूव कर एक नया सेल्स ऊपर लाती है, नीचे वाली परत को ऊपर लाती है, ठीक है, तो स्किन को वाइट करती है, गोरा लुक देती है, यंगर लुक देती है, ठीक है, स्किन को तो अच्छा काम करती है, यंग लुकिंग के लिए लगा सकते हैं, खूबसूरत त्वचा के लिए लगा सकते हैं। तो इसके साथ साथ दोस्तों ये निशान को भी हटा देती है, अगर लाइन्स है, फाइन लाइन्स है, वहाँ पर भी काम करती है, नेचुरल तरीके से काम करती है। इसमें काफ़ी सारे गुण होते हैं जो एंटी बैक्टीरियल होते हैं, अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है स्किन के ऊपर कहीं कहीं पर, तो वहाँ पर भी काम करती है, बैक्टीरिया मुक्त स्किन को बनाती है, एंटीबायोटिक की तरह काम कर देती है, साथ साथ दोस्तों स्किन को मॉइस्चर देती है, ऑयल फ्री स्किन करती है, तो इन सभी प्रॉब्लम में काम आती है, स्किन को वाइटनिंग करने के लिए काम आती है, गोरा बनाने के लिए काम आती है। डोज की बात करूँ तो दिन में 2 बार लगा सकते हैं, लगाने से पहले आपको अच्छे से कोई भी फेस वॉश से चेहरे को क्लीन करना है, मिट्टी वगैरह नहीं लगानी चाहिए, सूखने के बाद आप दिन में 2 बार लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, लगाने के बाद 4-5 घंटे तक इस क्रीम का यूज चेहरे के ऊपर होना चाहिए, आप फिर उसके बाद आप चाहे तो वॉश कर सकते हैं, साइड इफेक्ट इसके कुछ नहीं होते, एकदम नेचुरल है, थोड़ा बहुत हो सकता है कि लगाने के बाद इचिंग हो, थोड़ा बहुत जलन महसूस हो, लेकिन ये बहुत ही कम चांस होते हैं, तो घबराने की बात नहीं है, सावधानी इसकी यही है, बस डॉक्टर की सलाह से ही आपको यूज़ करना है, महिला है अगर कोई प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में, तो डॉक्टर की सलाह ले लेना चाहिए, बच्चे के लिए अच्छा रहता है, उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। तो ये था संपूर्ण रिव्यू, वीडियो के साथ कमेंट बॉक्स में बताएगा, कुछ भी समझ में लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं।